गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ इंडियन एविएशन एकेडमी का टूर, ठीक है। तो आज है लास्ट डे ऑलमोस्ट, कल से मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोचा कि चलो एक टूर वीडियो बना देते हैं इंडियन एविएशन एकेडमी का। और ये पहले हम दिखा देते हैं, ये क्या है, ये एक ओपन थिएटर है जिसको कभी हमने कभी यूज़ नहीं किया है। कोई है यहाँ पर अंदर? अरे ललित, कैसे हो? अच्छा ललित यहाँ पर है, ललित यहाँ पर है तो दीने के चार दिन कौन गा रहे भाई उधर? ये ओपन थिएटर है और यहाँ से एंट्री होता है गेट का, ठीक है। यहाँ से एंट्री होता है और प्लेन जा रहा है ऊपर। बाकी आपको दिखा देता हूँ, पहले इधर इस साइड में है बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे हम लोग कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं। बैडमिंटन कोर्ट, ये बैडमिंटन कोर्ट है। और वहाँ पे है टेनिस वाला कोर्ट, टेनिस कोर्ट है। पता ना पैसा बहुत खर्च है, लेकिन मेंटेन नहीं है, बस यही बात है कि मेंटेनेंस कितना। अभी यहाँ के चलो सिवा एक डुबकी हो जाए, जंप करो। और सूर्या भाई आ रहे हैं चल के, स्पीकर चाहिए उनको, चले चलते हैं, चल हम भी चल रहे हैं अभी वहाँ पे। अरे हम भी चल रहे हैं, चलो। एंट्री होता है और यहाँ पे रहता है स्पोर्ट्स सेंटर जो कि आपको मैंने दिखाया, और यहाँ पे एंट्री रहता है। चलिए आ जाए, आगे चले, चलो यहाँ पे साइड में चलो। ये गार्ड रूम है, यहाँ से साइन करके जाना रहता है यहाँ पे। और ये रहा, अबे रहने तो कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं होगा सब। मेरा रूम वहाँ पे है, ठीक है, वो वाला जो मेरा उंगली जहाँ पे है ना, हाँ वो वाला मेरा रूम है, ठीक है। और ये रहा इंडियन एविएशन एकेडमी उस साइड पे, मतलब आप, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सुनो, जैसे कि यहाँ पे सीधा है, ठीक है, इस साइड पे जो भी है उस साइड पे भी वही है, ठीक है, पर सिमेट्रिकल है, समझ रहे। अभी इधर आओ, क्या क्या मंगाओगे? अरे चाप क्या होता है? तो यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। ये है वेटिंग हॉल, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे टीवी लगा है, यहाँ पे हम लोग कभी कभी जाके क्रिकेट मैच देखते थे। और ये रहा लॉन्ड्री रूम, ये वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा, वो वाला वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा, ये वाला एक ही काम कर रहा है। और ये ड्रायर है, ठीक है, इसको दिखा देता हूँ उसके बाद। अरे वो वहाँ पे लाइट लगाओ तो, डाइनिंग हॉल में। ये रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये है स्पोर्ट्स रूम, यहाँ पे सब स्पोर्ट्स का सामान रहता है, क्रिकेट क्रिकेट टेबल टेनिस, वो भी सारे सामान है यहाँ पे, सब है यहाँ से लेके खेलते हैं। बाकी ये है डाइनिंग हॉल, यहाँ से खाना खाते हैं ये सब, ये ठीक है। ये डाइनिंग हॉल जो है ना, इसके ऊपर ही, ठीक है, ऊपर है क्या टीटी रूम, टेबल टेनिस रूम है, ठीक है। और उधर जो है, इधर भी वही है, सेम टू सेम है, सिमेट्रिकल है। हम लोग इधर से चलते हैं, आ जाओ इधर से चलते हैं, टीटी रूम दिखाएंगे। और ये रहा ऊपर टीटी रूम, वहाँ पे एक स्टोर रूम टाइप का, यहाँ पे भी एक वेटिंग हॉल है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये रहा वही ऊपर का सीन जो आपको नीचे दिखाया था, वही यहाँ पे दो लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं। हेलो केशव, हाय। यहाँ पे किशन निःशब्द होते हुए शिवा के समक्ष, अबे ये ऊपर वाली लाइट है ना, इसकी वजह से वो हो जा रहा है। अगर हम वहां से सीढ़ी चलो, कैमरे में फोटो नहीं आएगा तुम्हारा।
एसी चलाओ, पहले पहले जब पहले पहले आया था ना तब काफी जिम के थे, ठीक है, पहला एक हफ्ता, उसके बाद जिम के हाँ और हम का जिम तो पहले एक हफ्ता नहीं आए थे तब नहीं हो रहा मिस्टर तुम मतलब ये यहाँ पे ये एक मशीन है, सिर्फ एक ही मशीन है, ठीक है, और उसके साइड में और एक कोई दौड़ के गया होगा ना, यहाँ पे है ट्रेडमिल, हाँ मजा आ गया, ठीक है यहाँ का ये तुमको भी दिखा दो भाई, वहाँ पे तुम भी चलो, तुम मिलके चलते हैं, लेट नाइट कार्डियो, हाँ यस, कौन 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 संदीप, सीधे 15 मार दे अच्छा बंदी कर रही करो करो तभी तो फ्रिक्शन आएगा, नहीं ऐसा ही होता है, काउंट करेगा तुम करो अभी। अवनीश मिश्रा फ्रॉम अयोध्या, अबे चलो यार इतने स्लो स्लो क्यों चल रहे हो तुम लोग, देखो इसको, और ये रहा वो जिम था, और वो वहाँ पे लिफ्ट है, वहाँ से आ सकते हैं, अबे चाप खाओगे, अबे तुम बोलो, मैं कभी खाया नहीं वो चीज़, और ये कहाँ पे बरंडा है कि छत है, और वहाँ से वो क्या ओपन एयर थिएटर, वहाँ पे वही बोला ना, ये यहाँ पे जो भी है यहाँ पे वही है, पूरा सेम है, सिमेट्रिकल पूरा एकदम, छत का चाबी लगता है, वो हमेशा चाबी रहता है उसमें, हम लोग का जो एकेडमी है ना वो एकेडमी है यहाँ पे, आपको एक रोड दिख रहा होगा, ये रोड के उस साइड है हम लोग का एकेडमी, जो हम लोग जाते हैं क्लास करने के लिए वहाँ पे, मतलब जाते थे, हम लोग का जो ट्रेनिंग आज ही ख़त्म हो रहा है ना, तो आज ही लास्ट डे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक एकेडमी का रूम टूर करते हैं, कि वहाँ गया और ये आ गया मेरा रूम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा कॉरिडोर, यहाँ पे पूरा बॉयज़ रूम है सब, ठीक है, ये शिवा का रूम है 211, यहाँ पे पानी का भी सिस्टम रहता है हर फ्लोर में, हर हर एक मतलब कॉरिडोर में ये पानी का रहता है, और ये रहा मेरा रूम, अभी खुल नहीं रहा चाबी, चाबी लगा के रखा हूँ क्योंकि एक ही चाबी है, और अब रूम का कचरा होके गिरा है पूरा अभी, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे मेरा रूममेट आशुतोष सिंह सोए हैं यहाँ पे, आज काफ़ी जल्दी आके सोए हैं, रीजन क्या है, ठीक है आशुतोष भाई भाई, हाँ लाइट ऑफ कर दूँ क्या, ठीक है ठीक है, एक तंदूरी मलाई चाप, एक तवा सोया चाप मसाला, और छह लगा, और बाकी ये रहा एक छत जहाँ पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, और मेरा कपड़ा वहाँ पे सुखा हुआ है, ठीक है, और बस वही था, और क्या टूर करूँ, बाकी ये मेरा साइड का था, बाकी आप तो ये देखे होंगे, बाकी उस साइड पे तो आप देख रहे होंगे, वो भी सेम टू सेम ही है, हर एक कॉरिडोर भी सेम ही है, और इस साइड पे ये रहा अकेडमी, और उस साइड पे अगर हम चलेंगे तो उस साइड पे क्या मिलेगा, ये रहा ऊपर से आप देख सकते हैं, बस वही था ये अकेडमी, काफ़ी पसीना आ रहा है यार क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये वीडियो बनाने का काफ़ी मन था, ठीक है, लेकिन मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगता था ऐसे कैमरा शूट करने के लिए, क्योंकि आज हॉस्टल थोड़ा खाली हो गया, ठीक है, आज ख़त्म हो गया, तो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो चले गए अपने UGT जहाँ पे उनको करना है, तो हॉस्टल थोड़ा खाली था, तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो बना देते हैं, और मैं एक बात बताऊँ तो मज़ा आ गया, 3 महीने का जो मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग था ना, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए, आप देखेंगे काफ़ी कैंपस का भी सही है, ठीक है, और रूम भी काफ़ी अच्छा मिला है हमको, खाना हमको यहाँ पे खाना मिलता था 6 टाइम, ठीक है, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है, उसके बाद क्लास 9:30 बजे स्टार्ट होता है, 2 घंटे के बाद एक ब्रेक टाइम में चाय मिलता है, टिफिन उसमें रहता है, बहुत सारे खाने की चीज़ रहते हैं, बिस्किट वगैरह रहता है या फिर कुछ वो तो कंपलसरी रहता है, उसके साथ साथ और कुछ मैसेज जैसे कि आप मान के चले पकौड़ा या हो ब्रेड पकौड़ा हो या फिर कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ रहता था उसमें, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर से लंच, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर से टिफिन, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर से टिफिन, उसके बाद रात को डिनर, तो काफ़ी सही था, ठीक है, खाना भी सही था,
और उसके बाद रूम भी सही था, रूम सर्विस हमेशा 2 बजे आके वो रूम साफ़ करके चले जाते थे और उसको मैं फिर से गंदा कर देता था। तो सही है यार, काफ़ी मज़ा आया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद इतना लंबा टाइम तक 3 महीने का ट्रेनिंग काफ़ी बड़ा रहता, ठीक है, मतलब इतना लंबा ट्रेनिंग और इतना अच्छा फैसिलिटी शायद कहीं पर मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं सच्ची बताऊँ तो मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ करके, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो मेरा ये लास्ट नाइट है, ठीक है, यहाँ पे आज के बाद मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं कैसा रहता है मेरा मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। बस भाई था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।